तो वृंदावन से कुछ विशेष लगाव अब तो थोड़ा स्वरूप बदल गया है ना ट्रक बस टेम्पो कार टैक्सी तब तो कुछ चलता नहीं था तो गली में घूमते रहो बाजार में घूमते रहो हरी नाम गाते रहो मस्ती में गाते रहो मस्ती में गाते रहो तो कोई मांसपेशी टाइट रह सकती है बोलो और राजेश खिलवानी श्वासों को सदैव स्मरण करते रहने को आपने कहा और मंत्र को याद करने को कहा पर कभी कभी मन विचारों की अधिकता के कारण लगता नहीं दुकान की बातें दूसरी बातें ध्यान में आ जाती हैं। मेरा मन कभी डिगे नहीं भूले नहीं थोड़ा उसके लिए मार्गदर्शन चाहता हूं देखो समंदर में एक जहाज चल रहा था उस जहाज पे एक कबूतर था कबूतर के मन में आया थोड़ा उड़ूं, वो उड़ा दूर चला गया अब उड़ते उड़ते बैठूं यह ख्याल आया अब बैठेगा कहां जहाज पे तो कहाँ आया वापिस पानी में थोड़ी बैठ जाएगा तो वापिस आ गया तो फिर आराम से बैठ गया कहता कितना सुख है यहां बैठने में पर थोड़ी देर में फिर आया उड़ू इतना खुला है सामने जरा घूम के आता हूं फिर घूमा घूमते घूमते थक गया कहता अच्छा अब बैठता हूं कहां बैठू फिर थोड़ी देर बाद फिर क्या लाया उड़ू फिर उड़ गया फिर अगर बैठू फिर कहा आया फिर फिर उड़ा मन रूपी कबूतर उड़के कहीं भी जाए उसे वापिस मंत्र के जहाज पर ही बैठना पड़ेगा तो उड़ने दो <laughs> कब तक उड़ेगा hmm. उड़ते उड़ते थक ही जाए सोचो 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 फिर अपनी सोच से ही तुम थक जाते हो थक के फिर सो जाते हो, right? राइट मैं कहती हूं मन को मंत्र के जहाज पर टिकाना सीख जाओ थोड़ा बहुत उड़ जाए नो no प्रॉब्लम उसके कितनी बार उड़ के गया ये मत सोचो कितनी बार वापिस आया यह सोचो इट हम कितनी बार गलती करें वो मत गिनो हम कितनी बार संभल गए बस उसको पकड़ो धीरे धीरे क्या होगा मन का उड़ना कम होने लग जाएगा टिकना बढ़ जाएगा अभी उड़ना ज्यादा है टिकना कम है बट कीप ऑन टिको देन वन डे नो उड़ो राइट right? इसी को तो साधना कहते हैं ना तो रोज सुबह जब उठो तब हर बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि प्रभु आज संकल्प से साधना करने बैठ रहा हूं कृपा करो कि मैं ईमानदारी से साधना करूं मन मेरा शांत हो अगले दिन फिर यही करो प्रार्थ फिर यही फिर यही फिर यही फिर यही, फिर यही. और रोज रोज आज सुबह ही कृष्ण ने क्या बोला अभ्यासेन वैराग्येन अभ्यास और वैराग्य जब दोनों एक साथ जुड़ते हैं तो मन ग्रोह तो मन का निग्रह हो जाएगा नो वरी इज एट ऑल तो अभी जब तुम्हारा मन दुकान में उड़े क्या करो जा मन जा कितने दूर जाएगा वापिस यहीं आना होगा हाँ वो है ना वो गीत है ना जाइए आप कहाँ जाएंगे ये नजर लौट के फिर आए है ना है कि नहीं चिंता नहीं करते Hmm. प्रश्न है सी एच लिंग रेडी हम स्वप्न में जो अनुभव करते हैं जागृत में उसे भूल जाते हैं लेकिन जागृत में जो अनुभव करते हैं मन उस संसार के दृश्य को भूलने के लिए साधक का क्या कर्तव्य रहेगा Hmm. जागृत के दृश्यों को भूलने के लिए बस एक ही काम करना पड़ेगा और वो ये है कि जो दिख रहा है सो मिथ्या है मिथ्या माने इल्यूशन व्हाट यू सी इज नॉट रियल एंड व्हाट रियल इज कैन नॉट बी सीन वट एवर यू सी इज नॉट रियल लेट से ये मेरे हाथ में गुलाब का फूल है इसको रिवर्स ऑर्डर में ले जाते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में फूल फूल नहीं था क्या था कली बट, क्लोज बट। रिवर्स क्या था स्मॉल सैपलिंग टू लीव्स। स्मॉल स्टेम बस इतना सा और चलो पीछे क्या था सीड राइट right? अच्छा अब इसको फर्दर ले चलो प्रोग्रेसिव तो यहां ऑलरेडी बाहर से मुरझा गया चार दिन छह दिन रखेंगे तो पूरा खत्म क्या करेंगे फेंक देंगे किसमें मिट्टी में मिट्टी में।, में पड़े पड़े क्या हो जाएगा मिट्टी लेकिन इसके ये सेंटर में हा सेंटर में यह देखो कितने बीज हैं हाउ मेनी सीड्स राइट वेन दिस फ्लावर विल डाई द दीड्स लिव इट स्टार्टेड फ्रॉम बींग सीड एंड इट विल एंड बींग इन एंड फ्रॉम सीड न्यूरोज इज विलकम लाइफ इज अ साइकिल बीज से पौधा पौधे से फूल फूल में फिर बीज बीज गया धरती में फिर पौधा फिर फूल फिर बीज नाउ माई क्वेश्चन इज इज दिस रोज रियल सीम्स लाइक रियल बट इट इज नॉट रियल छोटे oh, बच्चे गेम खेलते हैं ना शी लव्स मी शी लव्स मी नॉट है ना शी लव्स मी शी लव्स मी नॉट शी लव्स मी शी लव्स मी नॉट ओ नम ऐसा हम सब ये देखो एक ही बार में कर देते बार बार क्या कर रहे ये नीचे आ अच्छा ये देखो ये देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो. पहले था फूल अब क्या है पत्ती पेटल अच्छा पेटल को किया क्रश उ mm, जूस mm. निकल गया देखो निकला पेटल हेज टर्न इन टू जूस सो वॉज फ्लावर रियल अच्छा इसको हम ऐसे कपड़े में लगा लें, तो लाल लाल डाई हो जाएगा आप कहोगे अब कपड़ा लाल हो गया रियल रियल न साबुन लगाओ वट इज रियल सीड चेंज इज सैपलिंग सैपलिंग सैप्लिंग इंटू फ्लावर फ्लावर इंटू सीड सीड चेंज इज अगेन सो दिस इज अ साइकिल सो दैट विच कीप्स ऑन चेंजिंग इज नॉट रियल द होल सम सारा इज नॉट रियल शंकराचार्य यही कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म न पर ब्रह्म ही सत्य है, जगत तो सारा मिथ्या है मिथ्या माने चेंजेबल अच्छा जब तुम पैदा हुई थी शिवानी तो ऐसी थी इतनी बड़ी वन के जी टू के जी इतना बट वेन यू वर इन योर माम्स यूटरस इन बॉडी देन से वेन योर माम वॉज थ्री मंथ प्रेग्नेंट देन शिवानी साइज वॉज दिस मच है ना एंड वी गो रिवर्स

Yeah. But I, the दैट नेवर चेंजेस दैट इज रियल real. किसको पकड़ना है रियल को कि अनरियल को अनरियल को क्या करोगे अब अब यह बात समझ लग गई तो संसार के पीछे तुम्हारा मन भागना छोड़ देगा अपने आप से ही माया किसी की नहीं होती है ना तो तुम्हारी भी नहीं होगी तो जो हमारी होगी ही नहीं उसके पीछे क्या भागना एक लड़का मिला था मुझे बड़ा दुखी रोए क्या हुआ वो तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ गई, मैं अच्छा चल कोई बात नहीं क्या नाम था उसका कहते माया मैंने कहा भाई माया तो धोखा ही देती है तूने माया से मोहब्बत करी यही गलती थी नहीं करनी चाहिए थी मैंने कहा अब किसी लड़की से भले प्यार कर लेना पर देखना उसका नाम <laughs> माया नहीं होना चाहिए नाम अच्छा माया ना हो अच्छा लक्ष्मी नाम हो तो लक्ष्मी कौन है विष्णु की माया पार्वती शिव की माया इसलिए कबीर साहब ने कह दिया माया मह ठगनी हम जानी माया मह ठगनी हम जानी ठगती है दूर रहो इससे क्या भागना है इसके पीछे तो ये ज्ञान का जो सूत्र है ये तुम्हारे मन की उड़ान को अपने आप खत्म कर देगा क्या भागना भाई इसके पीछे क्या भागना इज इन नाइन्थ हम्म पार्थ लिखता है आई गेट एंग्री वेरी इजिली एंड आई थॉट ऑफ डूइंग मेडिटेशन अर्ली मॉर्निंग बट आई एम नॉट एबल टू डू इट आई डोंट हैव टाइम Because I go to school, then coaching center, then homework, no time. Sunday, I go to RK Math, come at 4, then go with parents, then play. Then there is, I think there is no existence of God. <laughs> but because God didn't help me in my troubles... and sometimes I believe in God. So please give me a way to come out of this confusion in my life and give me some tips to make my life the best. Parth ka sawal to bahut acha hai. Now, Parth, Parth ki kahani sunati ho. Parth. एक लड़का था उसका नाम पार्थ था उसके नाइन्थ standard के exam थे उसने रोज हनुमान चालीसा पढ़ा रोज रोज हनुमान चालीसा पढ़ा एग्जाम के दिन एग्जामिनेशन हॉल में गया टीचर ने पेपर दिए क्वेश्चन पेपर दिए उसने जैसे ही पेपर पढ़ा कुछ नहीं आता तो उसको बड़ा गुस्सा आया हनुमान जी पे बहुत गुस्सा आया घर आया वापिस खाना नहीं खाया सो गया सोया सो तो सपने में हनुमान जी आ गए तो वो लड़ता है मैंने आपका रोज पाठ किया था आपने मुझे कोई हेल्प नहीं करी हनुमान जी कहते बेटा आपके पास किताबें थीं और टीचर रूपी गुरु था और गुरु ने जब पढ़ाया था तो आपने क्यों नहीं पढ़ा था तो पार्थ को समझ लग गई तो उसने कहा थैंक यू हनुमान जी अब मुझे समझ लग गई कि मुझको पढ़ाई करनी चाहिए थी राइट सो गॉड हेल्प दोस्त हुम सेल्फ नहीं तो सारे नलायक बच्चे ना जब इम्तिहान होते है, देखो मंदिर में कितनी भीड़ बढ़ जाती सब लगे होते पास कर दो पास कर दो पास कर दो पास कर दो डैडी मारेंगे बहुत भगवान पास कर दो पास कर दो भगवान जी क्या बोलेंगे बेटा मैंने साइंस गॉड हैज गिवन अस इंटेलेक्ट राइट यूज गॉड हैज गिवन अस करेज यूज गॉड हैज गिवन अस पावर वर्क हार्ड तो भगवान ने तो हमको सब कुछ दे रखा है हम यूज ही नहीं करते पढ़ाई के टाइम पे क्रिकेट खेलो है ना होमवर्क के टाइम पे पिक्चर कौन सी आ रही है दोस्तों के साथ शॉपिंग जाना है नए स्पोर्ट्स शूज लेने हैं अब अगर यही सोचते रहेंगे तो पढ़ाई तो ठीक से होगी नहीं जब ठीक नहीं होगी तो फिर यू नॉट से गॉड डिड नॉट हेल्प मी वन यू स्टिल डोंट नो वट गॉड इज तो भगवान को ऐसे आ, ऐसे तो नहीं समझ सकते ना जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये हम साइंस टीचर से समझते हैं ऐसे भगवान क्या है ये हम गुरु से समझते हैं पर अगर किसी को इलेक्ट्रिसिटी समझ ना आए तो वो ये थोड़ी कह सकता है बिजली तो होती नहीं है होती नहीं है कह सकता है वो ऐसे ही हम ये नहीं कह सकते भगवान तो होते ही नहीं है चूंकि अभी हमें समझ नहीं है इसलिए हमें उस समझ को लेना चाहिए राइट टू मच टाइम मजा आया ये देखो ये जो छोटे बच्चे बैठे ना ये सारी एनर्जी इनकी है तुम्हारी शकल देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है पता नहीं लुटी हुई बारात के बंदे बैठे मेरे सामने ये <laughs> एकदम कैसी शकल बनाते हैं ये बैठे तो हंसते हैं हंसते हैं खेलते हैं पर ये आपके ही तो अंश हैं तो अपने इन अंशों से सीखिए हंसना खेलना और तुम बड़ों से ये सीखो मेहनत करना सेवा करना राइट भी हार्ड वर्किंग पर्सन बी एन इंटेलिजेंट पर्सन ज्ञान हमें बुद्धिमान बनाता है पार्थ तुम अपने मां से या पापा से बोलना कि वो तुम्हें अपने साथ थोड़ा थोड़ा जो हमारा भगवत गीता का बुक है पढ़े तुम्हारे साथ वो भी पढ़े तुम भी पढ़ो तो तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ लग जाएंगी अपने आप से अच्छा अच्छा तो हम दे रहे थे सी एच लिंगा रेड्डी के प्रश्न का उत्तर तो फूल आ गया और बाकी सब चीजें आ गई ना तो मूल विषय मत भूल जाना क्या है जागृत के दृश्यों से हम बाहर कैसे आ सकते हैं तभी जब ये जागृत हमें मिथ्या समझ आ जाएगी और मिथ्या तब तक समझ नहीं आएगी जब तक सत्य क्या है वो समझ नहीं आए और सत्य समझने के लिए मन को अंतर्मुखी और एकाग्र करना और ज्ञान मनन करना यही मार्ग है इस मार्ग पर चलो खूब चलो खूब चलो एक छोटी सी जरूरी है वो बात वो मैं ले लूँ एक ने लिखा है कि योग निद्रा करते समय में ऐसा कभी कभी फील होता है जैसे हम शरीर से ही बाहर निकल गए हैं तो थोड़ा डर लगता है भाई तुम शरीर में रह के भी शरीर से अलग ही हो तो ये तो सुंदर अनुभव है इसमें डरने वाली कोई बात नहीं पर वो कई बार उन्हें लगता है अरे कहीं बाहर ही निकल गए वापस ही ना आए ऐसा <laughs> नहीं होने वाला बाकी जब मरने का समय आया तब तो फुल एंड फाइनल पेमेंट हो जाएगी अब भी नहीं होती डोंट वरी तो अगर मरना होगा तो मर ही जाओगे तो वापस पूछने नहीं आओगे मुझसे <laughs> तो पूछ रहे हो तो इसका मतलब वो मरने जैसा तो नहीं था मरे भी नहीं थे तो डरना क्या प्यारे उससे नो नीड टू बी फियरफुल शरीर हम नहीं है शरीर हमसे अलग ही है और इसकी स्पष्ट अनुभूति योग निद्रा में पॉसिबल है हो सकती है और होवे तो बहुत अच्छा है तभी तो समझ लगेगी शरीर मरेगा मैं नहीं शरीर जन्मा है मैं नहीं हाँ। न थे थे वा कदा वाह कदाचिन भूतवा भविता वा अजो नित्या, न हन्य न हन्य माने शरीरे गीता का ये श्लोक यथार्थ हो सकता है योग निद्रा में कितना अद्भुत होगा ये डरने की कोई बात नहीं शरीर तो हम है ही नहीं अब ये ये जो ओढ़नी रखी है गले में ये ओढ़नी हम थोड़े हैं अब ये ओढ़नी उतार के रख दें तो हम तो फिर भी बने हैं तो जैसे कपड़ा शरीर से अलग ऐसे शरीर मुझसे अलग है। और मन भी मुझसे अलग है। और प्राण भी मुझसे अलग ये तो मैं हूं ही नहीं इसमें भय नहीं करना निश्चिंत तो होके साधना करो जब मरने की घड़ी आएगी ना तभी मरोगे प्रॉमिस प्राण जाई पर वचन न जाई दे दिया वचन आज तुमको जब मौत आएगी तभी मरोगे उसके और तब भी शरीर मरेगा तुम तब भी नहीं मरोगे तुम तो ढीठ हो तुम नहीं मरोगे काया जलती है मैं नहीं काया मरती है मैं नहीं बहुत बहुत बहुत, बहुत बढ़िया अब समय हुआ पूर्ण कब खत्म हुआ कब शुरू हुआ इल्यूशन राइट अभी तो शुरू हुआ था आखिरी है ना सिटिंग हम तो मस्ती में घूम रहे हैं ना और दुनिया में कहीं चले जाएं सब जगह ऐसे ही हंसते मुस्कुराते प्रेम भरे चेहरे देखने को मिलते हैं तो हैदराबाद में कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ फर्क नहीं लगता सब <laughs> <laughs> अपने हैं ना सब प्यारे हैं नहीं अरे जो मैंने उस दिन बोला था वो किया था प्यार से मिलने वाली बात है एक दूसरे को प्रेम से जय गुरुदेव बोलने वाली बात किए थे ना अब देखो अभी सब अपने अपने घरों को जाने वाले हो तो जाने से पहले बड़ी गर्म जोशी से मिलके जाना ये पता नहीं दोबारा कब मिलेंगी तुमको सबको बहुत अच्छे से और इस आनंद उत्सव का आयोजन हमारे सब शिष्यों ने मिल किया और उन सबके इस साहस और उनके इस परिश्रम को हम बहुत साधुवाद देते हैं और तुम सब लोग आपस में भी खूब मिलके रहो और देखो किसी ने कहा हम तो गुरु जी के पुराने चिल्ले हैं एक ने कहा ये तो नया चिल्ला भैया नया पुराना कुछ नहीं होता सब अपने हैं नया पुराना कुछ नहीं सनातन धर्म है ना यहां सब सनातन है प्रेम पूर्वक आपस में मिलके रहो और ईश्वर की कृपा से जब कभी फिर प्रेरणा होगी तो फिर अगला हैदराबाद में ओपन सत्संग रखेंगे। पर वो भी कोई बड़ी बात नहीं कितने ही तो बार यहाँ हो चुका आप सब लोगों ने प्रेम पूर्वक कितने बार ऐसे आयोजन किए हैं लेकिन ये ये आयोजन होना जरूरी था क्योंकि मैं कह रही थी कि जो साधना सीखना चाहते हैं इस बार सिर्फ मैं उनको मिलूं तो खुला तो टीवी में रोज आ रहा है तो सत्संग तो सुन ही रहे पर ये जो मस्ती यहां आमने सामने हुई है अब ये मस्ती टीवी में तो जा नहीं सकती जा सकती क्या जा सकती क्या, जा सकती क्या? घर जाके बता सकते हो कि क्या किया था कई कहेंगे पागल तीन दिन खराब करके आ गया <laughs> क्या बता सकोगे के तीन दिन सार्थक करके आ रहा हूं जीवन धन्य करके आ रहा हूं सबको मेरा आ, मंगल आशीष शरीर से स्वस्थ रहो मन से भक्ति करो बुद्धि से ज्ञान चिंतन करो जीवन तुम सबका पूर्ण हो पूर्ण हो पूर्ण हो ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदक्षते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओन्तिः शन्तिः